हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कम कपड़े में प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। उसके लिए मेरी लंबाई है 38, हिप है 40 और मेरा मैं जो लूँगी हिप का 3 लूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है। ये देखिए, किनारी की तरफ से हमेशा लेंथ नापी जाती है, तो ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है, यानी कि आप इंची टेप से ऐसे देख सकते हैं, ये 60 इंच। ठीक है, ये मेरा 60 इंच का कपड़ा है, जो 1.5 मीटर कपड़े को मैं इस तरह से रखूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी 2 तह लगाई हैं। इसके बाद मैं फिर वापस 2 तह फिर लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी 4 तह लगा दी हैं। ये मेरा कपड़ा थोड़ा फिसल रहा है, मैं भी देखिए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी 4 तह लगा दी हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। 4 तह लगाने के बाद ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ऊपर से नेफा लूँगी 2.5 इंच का। ठीक है, उसके बाद इस तरह से मैं हिप का 3 लूँगी। हिप है मेरी 40, तो 40 का आप फोल्ड कर सकते हो 3 बार में। ये देखिए, इस तरह से 1, 2 और ये इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 39 इंच आया है मेरा, और 1 इंच को मैं इसलिए मैं 2-2 पॉइंट बढ़ा दूंगी, तो 13 हिप का 3 आपका आ गया, 13 दो पॉइंट और हैं। इस तरह से ये यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मैं फिर वापस ऐसे ही लूंगी हिप का 3 माइनस 1 इंच। ये देखिए, और इसको यहाँ पे मैं ये 2 इंच, अगर 1.5 इंच भी आ रहा है कोई नहीं है, इस तरह से आप इसकी गोलाई, ठीक है, गोलाई करने के बाद ये देखिए मुझे इसकी लेंथ 37 38, ठीक है, 38 पे निशान लगाऊंगी मैं। ये देखिए, ठीक है, और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आप इसको काट लेंगे, ये कम कपड़े में काफ़ी लूज प्लाजो बनेगा। ये देखिए, मैं इसकी अब कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ से कट करूँगी मैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से प्लाजो की कटिंग कर दी है। ये मैंने 1.5 मीटर कपड़े में सही प्लाजो निकाल लिया है, आप भी इस तरह से बना सकते हो। इसमें मैं यहाँ कट लगाऊंगी, जिससे आपको पता लग जाए ये आपका मुंडने का है, और इसमें मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। ये मेरा नेफा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्लाजो की कटिंग भी करना बताया है, और उसमें मैंने वो ज़्यादा कपड़े में किस तरह से मोड़ के रखते हैं वो तरीका बताया है, और ये मैंने कम कपड़े में ही ज़्यादा साइज का प्लाजो बनाया है। तो अगर आप ये देखिए, आपको समझ में आ गया है, और आपको सिलने का तरीका सेम वही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी कमियों को बताइए, मेरी खूबियों को बताइए, जिससे मैं अपना आगे से और ध्यान दूँ अपनी सिलाई पे। ठीक है, धन्यवाद।